हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए कोई भर्ती नहीं लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत से व्यूअर ने सवाल किया या कॉल करके बताया उन्होंने कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स में भर्ती आ रही है, ये रियल है या फेक। तो दोस्तों मैं भी कुछ चक्कर में पड़ गया कि ये क्या है, कैसे यूट्यूबर है जो ऐसे वीडियो बना देते हैं, कुछ जानकारी होती नहीं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, उनमें उस पर लिखा था पद 1500 आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स की जो भर्ती आई थी दोस्तों, और एक वीडियो मैंने देखा 920, ये कितना है 900 पदों पर। तो दोस्तों इसके अंदर मैं कंफ्यूज हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो और ग्रुप सी की पोस्ट बता रहे थे वो। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, रियल है या फेक है, यूट्यूबर कितना बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। और फ्रेंड्स मैं इसलिए वीडियो नहीं डालता रोज़ क्योंकि भर्तियाँ होती नहीं, डालूंगा कहाँ से, फेक वीडियो में डालता नहीं। मैंने एक वीडियो डाल दिया था तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। वो सतीश एफडी का रिजल्ट के बारे में मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आगे से मैं कोई ऐसे फेक वीडियो नहीं डालने वाला। अगर आप इस चैनल पे, आपको अगर जेन्युइन जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा फेक वीडियो के लिए आपके पास यूट्यूब पे बहुत से चैनल, आप उनको सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये रियल है फेक है। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास भी एक मेरे दोस्त ने कॉल किया कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स में भर्ती आ रखी है। तो मैंने सोचा भाई ये भर्ती कहाँ से आ गई, पहले वाली भर्ती तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ भर्ती के रिजल्ट बाकी चल रहे हैं, कुछ है पोस्ट के, जैसे ट्रेडमैन हो गया, इन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स में पहले जो भर्ती आई थी पिछले साल 2018 में, उसका भी अभी प्रक्रिया बाकी है। जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती उससे आगे वैकेंसी आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितने वीडियो बन रखे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स के ऊपर। फ्रेंड्स ये मैंने गूगल खोल लिया है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स। तो फ्रेंड्स देखना कितने वीडियो आते हैं, बहुत से वीडियो आएंगे। देखो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स रिक्रूटमेंट है, आर्मी ऑर्डिनेंस ग्रुप सी सिविलियन 920 पद, ये भाई ने, इस भाई ने सही बताया, रियल है फेक है। और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स 1500 पोस्ट, दोस्तों पता नहीं क्या व्यू के चक्कर में ऐसे कुछ डाल देते हैं टाइम खराब करने के लिए, और इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने को, लिंक पे क्लिक करने के लिए बोलते हैं, वो लिंक एक्चुअल में इनकी वेबसाइट का होता है, ताकि आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें, और विजिट करने के बाद जो उन वेबसाइट के ऊपर जो ऐड आते हैं उनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स ये इतना ही बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को, और आप इनके चक्कर में मत आना क्योंकि ये सही जानकारी तो देते नहीं इनकी, ना तो ये ऑफिशियल साइट देते हैं, नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक देते हैं, ये अपनी खुद की साइट का लिंक देते हैं ताकि आप उनकी साइट पे जाकर विजिट करो, और आने जाने कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा, ये भर्ती अभी कोई भर्ती नहीं आ रही। और ऐसे ही एक असम राइफ़ल की भी वीडियो मैंने देखी, उसमें भी कोई सूचना नहीं है असम राइफ़ल वाले में भी, मैंने खुद सर्च किया साइट पे जाकर, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही। और ये पता नहीं कहाँ से असम राइफ़ल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स लेकर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो इतना ही चाहूँगा, आप अगर इस चैनल पे हैं तो आपको जेन्युइन जानकारी मिलेंगी, वैसे वीडियो चाहे कम बन जाए लेकिन मैं फेक वीडियो नहीं बनाऊँगा बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि मैं भी फेक वीडियो बनाता हूँ तो आप क्यूट हो सकते हैं, क्योंकि मैं, मेरे पास दोस्तों है ही नहीं फेक वीडियो, कैसे भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, कोई भर्ती आएगी तभी तो वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको जेन्युइन भर्तियाँ चाहिए, नॉट इंडियन आर्मी की भर्ती जो भी, दोस्तों मैं वीडियो कम इसलिए बनाता हूँ कि ताकि मेरे पास टाइम कम होता है, मेरे को जो भी जानकारी मिलती है मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ ये भर्तियाँ कैसी हैं कैसे नहीं, ये बिल्कुल फेक है और इसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ भर्ती है ये, कोई भी 1500 वैकेंसी नहीं है, कोई 900 वैकेंसी नहीं है ये। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, आप अगर, आपको कोई बताता है मेरे चैनल के माध्यम से नहीं, किसी भी चैनल के माध्यम से ले लो, अगर आपको कोई बताता है कि ये वैकेंसी आ रही है तो आप उसकी साइट पे जाकर खुद विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद आप खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो आधी जानकारी बताते हैं, जो नोट होता है पीछे का, या वैकेंसी की डिटेल नहीं देते, जो नोट होता है ना दोस्तों ऐसे करके नोट आता है नोटिफिकेशन में, उसको पूरा पढ़ने का, कि उससे पढ़ने के बाद ही पता चलता है इस भर्ती में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सी गलती करनी है कौन सी नहीं करनी, ऐसी कुछ सारी जानकारी देते हैं उसके अंदर। तो फ्रेंड्स आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलता हूँ अगले वीडियो में।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।